दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज के फंडा को और बेल आइकॉन दबाइए जिससे आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज के फंडा में। स्वागत करता हूं आप सभी का CCC क्वेश्चंस एंड आंसर के साथ विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दोस्तों ये कंप्यूटर सीरीज का 7वां वीडियो है जो कि मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए। मित्रों ये जो वीडियो बेस्ड आउट होगा ये आधारित होगा लैंग्वेज के ऊपर। दोस्तों लैंग्वेज के ऊपर आधारित होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेज ही पढ़ाऊँगा, बल्कि मैंने यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ है जो कि आप सभी के लिए कंप्यूटर साइंस के, अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने करियर की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप सभी से यह भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और प्रकाश डालते हैं पहले प्रश्न पर और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट अपने पास है कि द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, मीन्स दैट ये कंप्यूटर वर्ड जो हम आज के समय में सुनते हैं ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये शब्द आया है लैटिन से। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आखिर कंप्यूटर शब्द की जो ओरिजिनेशन हुई, जो ओरिजिन है वो क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की ओरिजिन है कंप्यूट, ओके, CUMPUTE। यू नो कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, मतलब कि टू कैलकुलेट, ठीक है, तो गणना करना। अब जैसे अगर कोई काम है उस काम में अगर ER लगा दिया जाए, जैसे अगर हम कहें RUN, तो रन का अगर रनर बनाएं तो रन मतलब दौड़ना, तो रन रनर माने क्या होगा, दौड़ने वाला। वॉक माने टहलना, तो वॉकर माने टहलने वाला। अगर टीच कहें तो टीच का टीचर बना तो क्या हुआ, टीच माने पढ़ाना, तो टीचर माने पढ़ाने वाला। उसी तरीके से अगर कंप्यूट कहें, गणना करना, तो कंप्यूटर माने क्या होगा, गणना करने वाला। तो दोस्तों बात तो यही है कि कंप्यूटर गणना ही तो करता है, इसीलिए कंप्यूट से बना कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूट शब्द लिया गया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। आई होप ये पूरी जानकारी आपको रोचक भी लगी होगी और नई भी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अपने पास ये है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। दोस्तों डिफरेंस इंजन के खोजकर्ता का नाम बताना है, लेकिन उसके पहले हमको जान लेना चाहिए कि आखिर डिफरेंस इंजन होता क्या है। दोस्तों जब कंप्यूटर डेवलप नहीं हुआ था तो कंप्यूटर के समान, कंप्यूटर को वास्तविक रूप जो वर्तमान समय में आप देखते हैं, ये रूप पाने के लिए तमाम चरणों से होकर गुजरना पड़ा। पहले अबेकस के रूप में, उसके बाद नेपियरी बोन के रूप में, इसके बाद स्लाइड रूल के रूप में, इसके बाद लेबनीज के आंतरिक कैलकुलेटर आए, तमाम ऐसे उपकरण बनते रहे। उसी बीच में एक एडिंग मशीन आया था जिसको कि ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जो कि काफ़ी हद तक वर्तमान कंप्यूटर के साथ समानता रखता था। ब्लेज पास्कल को हम कंप्यूटर का कैलकुलेटर का जनक भी कहते हैं, क्योंकि ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाए गए एडिंग मशीन के ही आधार पर वर्तमान समय के कैलकुलेटर चलते हैं। दोस्तों तो बात यहाँ पर यह है कि आखिर जब इसी क्रम में कंप्यूटर के बनते 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 बीच में एक डिफरेंस इंजन बना, और उसके कुछ समय के बाद एक एनालिटिकल इंजन भी बना। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों ही कंप्यूटर ऐसे थे, ये दोनों ही उपकरण ऐसे थे जो कि वर्तमान कंप्यूटर के साथ बहुत अधिक समानता रखते थे, और इन दोनों ही उपकरणों का निर्माण किया था चार्ल्स बैबेज ने, अलग अलग टाइम पर। लेकिन हाँ, इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। रीजन,
कि इनके द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन जो है यह वर्तमान कंप्यूटर के साथ बहुत अधिक समानता रखता था। तो चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। अगर डिफरेंस इंजन के साथ साथ एनालिटिकल इंजन भी पूछे तो आपका यही उत्तर होगा, चार्ल्स बैबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण किया था। और फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन ये दोनों ही इंजन वर्तमान कंप्यूटर के साथ बेहद समानता रखते थे। आगे का प्रश्न यही है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चौथा पॉइंट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। दोस्तों जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर का जो फादर हो वही कंप्यूटर साइंस का भी फादर हो, बिल्कुल नहीं। चार्ल्स बैबेज ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। सीमोर क्रे, इनको आप फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं। और अगस्टा एडामिन, इनको हम मैडम एडा अगस्टा भी कहते हैं, एडा अगस्टा। एक्चुअल में मैडम एडा अगस्टा जो थी ये चार्ल्स बैबेज की सहयोगी थी, इनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब चार्ल्स बैबेज अपने कंप्यूटर का निर्माण कर रहे थे तो बीच में इनकी मृत्यु हो गई चार्ल्स बैबेज की, और इनके पूरे कार्य को पूरा किया मैडम एडा अगस्टा ने ही। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में पहली बार कंप्यूटर चलाने का श्रेय मैडम एडा अगस्टा को जाता है। और वहीं पर बाइनरी नंबर, जो द्विआधारी नंबर्स होते 0 और 1 वाले, इनकी खोज भी इन्होंने ही की थी। तो चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सीमोर क्रे, इन्होंने क्रे 1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। और एडा अगस्टा, दुनिया में पहली बार प्रोग्रामिंग का काम इन्होंने किया था, और ये चार्ल्स बैबेज की सहयोगी थी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के जनक की बात कर रहे हैं, तो आंसर इज एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर विज्ञान की उत्पत्ति की और इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगली जानकारी, पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बट आंसर इज दैट पीसी के फादर की बात पूछ रहे हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में हमेशा माइक्रो कंप्यूटर आते हैं दोस्तों, जैसे लैपटॉप, पॉम टॉप, डेस्कटॉप, ये सारे जो होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो इनके फादर कहे जाते हैं एडवर्ड रॉबर्ट। ओके, तो ये तो रहा पांचवा पॉइंट। छठवें पॉइंट पर आइए प्रकाश डालते हैं। सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू मतलब कि जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये अपने अंदर किन किन चीज़ों को शामिल रखता है। तो अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, हमेशा सीपीयू के बाहर प्रिंटिंग डिवाइस होती है, द आंसर विल बी रॉन्ग। एन एनालिटिकल इंजन एंड द कंट्रोल यूनिट, हाँ सीपीयू कंट्रोल यूनिट को तो अपने अंदर रखता है, बट वो एनालिटिकल इंजन तो मैंने बताया कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया एक मशीन है दोस्तों, तो ये भी गलत कर देता उत्तर को। एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर, कार्ड रीडर हमेशा बाहर रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को तो अपने अंदर शामिल रखता है। तो उत्तर क्या मिला, एक तो कंट्रोल यूनिट को शामिल रखता है, एक अरिथमेटिकल यूनिट को। तो ऐसे समय में आप देखिए यहाँ पर जो विकल्प सी है इसमें कंट्रोल यूनिट का भी नाम ले रहे हैं और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का भी नाम ले रहे हैं। तो एक सीपीयू अपने अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को शामिल किए रहता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है आपके कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को प्रबंधित करने का, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम शॉर्ट में ALU कहते हैं। ALU का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क दिए जाते हैं उन सभी टास्क को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ALU के पास। तो एक CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक ALU मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ओके, आगे बढ़ता हूँ सातवें पॉइंट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, आइए समझते हैं बात को। दिस इज द यूज़र एंड दिस इज द सिस्टम। अब यूज़र को अगर पेंसिल का इस्तेमाल करना है इस कंप्यूटर पर, तो ऐसे केस में उसको कुछ न कुछ ऐसा चाहिए
जो पेंसिल की तरह बना हो, बिल्कुल, तो पेंसिल की तरह जो बना होगा उसी पे क्लिक करेगा और यूजर पेंसिल का इस्तेमाल कर पाएगा। एक्चुअल पेंसिल इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू आर यूजिंग, यू आर द यूजर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर ने इस पेंसिल नामक एक चित्र का प्रयोग किया। एक्चुअल में इसको बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि जब संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ इंटरफेस, कुछ ऑब्जेक्ट यूजर को उपलब्ध कराए जाएं और वो ऑब्जेक्ट कितने आकर्षक होंगे, यूआई उतना ही आकर्षक होगा, उपयोगकर्ता को कार्य करने में उतना ही आनंद आएगा, तो इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस ही वो चीज़ है जो आप मोबाइल में यूज़ करते हो, कंप्यूटर में यूज़ करते हो, किसी भी डिजिटल कियोस्क सिस्टम में यूज़ करते हो। जैसे आप मोबाइल में आप यूज़ करना है आपको, तो आप यूट्यूब ओपन करने के लिए यूट्यूब की बटन पे जाते हो, आप ऐसा कहीं पे दिखता है, क्लिक कर देते हो। एक्चुअल में वहाँ पर आप देखिए, कोई अनपढ़ आदमी, मतलब कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो भी इस चित्र को देख के भली भांति समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर वीडियो मिलता है कि नहीं। कैमरे का आकार देख लिए तो उनको समझ में आया हाँ ये फोटो खींचने वाला है। पढ़ा भले नहीं उन्होंने, लेकिन इस चित्र को देख के उनको बात समझ में आ गई। इस चित्र को हम बोलते हैं आइकॉन। क्या बोलते हैं? आइकॉन। तो इन आइकॉन्स का प्रयोग करके उपयोगकर्ता बिना चीज़ों को पढ़े क्या कर लेता है? एक्सेस कर लेता है, सक्रिय कर लेता है। एक्चुअल में ये सब हो पाता है यूज़र इंटरफेस की वजह से। सपोज करो यूज़र इंटरफेस टिपिकल है और कैमरे का चित्र कुछ अलग टाइप का बना हुआ है, तो क्या आप कैमरे को ढूंढ पाओगे जल्दी से? आई होप नॉट। और उत्तर लिखा है, मतलब कैमरा जो लिखा हुआ है वो किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा है जो आप नहीं समझते हो, तो भी आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। इसका मतलब यूज़र इंटरफेस जो है, जिसको हम यूआई बोलते हैं, ये बहुत टिपिकल है। तो यूआई सिंपल होने का मतलब क्या है? व्यवहारिक जीवन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उनको उसी यूज़र के लैंग्वेज में समझा देना यूज़र इंटरफेस की श्रेणी में आता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की यूज़र इंटरफेस ही है। मैं यहाँ पर ब्रश पे क्लिक करता हूँ, ब्रश के द्वारा आपको समझाता हूँ, यह भी एक यूज़र इंटरफेस ही है। सपोज करो कि मैं ब्लैक स्क्रीन पर ब्लैक कलर से ही लिखता तो आपको मज़ा ना आता, क्योंकि यूज़र इंटरफेस गड़बड़ है। तो कहने का मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि यूजर किसके बेस पे इंटरेक्ट हो पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये होता है यूआई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है कि उपयोगकर्ता जब किसी काम को करता है तो कंप्यूटर में जो है क्या करता है, इनपुट करवाता है, लेकिन उपयोगकर्ता अपनी भाषा में इनपुट करता है, मतलब कि अपने आदेश को अपनी भाषा में देता है और कंप्यूटर उस भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करने की बात समझता है। तो बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ होता है जो कि भाषा बदलने का काम करता है, इसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्लेटफॉर्म हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। अब स्क्रीन सेवर वो होता है जब आप स्क्रीन को थोड़ी देर रोक देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चलती फिरती आकृति आ जाती है उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। आगे बढ़ता हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, बात समझाता हूँ। कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। समझते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज यूजर की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में रखी जाती हैं। और जो आपका LLL है, जब आप असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी इनपुट करवाते हो तो कंप्यूटर उसको LLL, मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में ही समझता है, इसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्राम किया गया था वो मशीन लैंग्वेज में ही किया गया था। रीज़न ये है ना कि तब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए भाषा को समझा नहीं जा सकता था, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई भाषा को नहीं समझा जा सकता था, इसलिए पहली प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में ही की गई। आगे बढ़ता हूँ। What is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of the information between the computer devices? Computer devices के बीच में सूचनाओं के शेयर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ,
मतलब कि नेटवर्क में सॉफ्टवेयर भी रहता है और हार्डवेयर भी रहता है। ओके, आगे नेटवर्क के सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। कोडेड इंट्रोज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर आप खोल नहीं पा रहे हो और कंप्यूटर को खोलने के लिए आपको एक कुछ कोड मांग रहा है, उसको क्या बोलते हो? पासवर्ड। बिल्कुल, आप मोबाइल को भी पासवर्ड से लॉक कर सकते हो, अपने ATM को पासवर्ड से लॉक किया हुआ है आपने, तो हर एक चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड इज़ ए कोड, पासवर्ड एक्चुअल में एक कोड होता है जो कि आपको किसी प्लेस पर एक्सेस करने की एंट्री के लिए अधिकार देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो लगातार पाना चाहते हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, वापस आइएगा चैनल पर, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमको फेसबुक पेज पर फॉलो करिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।